पोस्ट इंप्रेशन माय लाइफ ना, मैं इनको देखी और मुझे प्यार हो गया और मैं इनको प्रपोज कौन किया हम गर्लफ्रेंड आपको नहीं बना सकती, आप फ्रेंड ही रहोगे, आप मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड तो नहीं बना पाऊंगा, ऐसे करके ना ये मुझे रिजेक्ट कर दिए थे। तो इतने साल की थी तब आपको प्यार ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ दिया आप, जो भी बहुत कम लोगों को ऐसा मिलता है इंटरेस्टिंग और मैं बहुत लकी हूँ। जब कभी भी ना आप सबको जानना हो कि इस डायरी पे क्या क्या लिखा है, हम कब मिलते थे, कब हर एक चीज इस पे लिखा है, हर एक चीज की नहीं शादी से पहले बताओ तो होती लड़ाई लेकिन उतना नहीं होता था हम दोनों के बीच। तो अपने हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि आज मैं बहुत दिनों से आप सबके आंसर का जवाब नहीं दे पा रही थी, लेकिन आज सोची हूँ एक फुल व्लॉग बनाऊंगी और आप सभी का ना क्वेश्चन आंसर का जवाब दूंगी। तो मैं एक कॉपी पर लिख के रख ली हूँ सारा क्वेश्चन जो मुझे ठीक लगा कि उनका जवाब मैं दे सकती हूँ, तो अच्छे अच्छे कमेंट्स को मैं चुन चुन के लिख ली हूँ जिनका मुझे जवाब देना है। और आप सब वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, अभी तो नहीं, मेरे हस्बैंड का वेट करते हैं, फिर हम मेरे हस्बैंड और मैं दोनों एक साथ व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, बस आ ही रहे होंगे, बिजली बिल पटाने गए हैं, तो बने रहिए। मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर वाला। उससे पहले देखिए हमारा टेडी बियर, बारिश शुरू हो गई है तो इसे हम धोए थे तो अभी लाए हैं। ये देखो हमारा टेडी बियर आ गया है और ये अनानास मेरे हस्बैंड लाए हैं कल बाजार से, तो इसे अभी कटिंग करेंगे। पसीना काफी निकल रही है क्योंकि बाहर से अभी जस्ट आ रहा हूं ना, तो और अभी बदली एकदम चेंज हो गई मौसम। आज रथ यात्रा है, हैप्पी रथ यात्रा आप सबको, जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत सारी शुभकामनाएं, श्री कृष्ण जी आप सबकी सारी इच्छाएं पूरी करे, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी की जय। और तो मेरे हस्बैंड ये काट लेते हैं, तब तक मैं दाल गरम कर रही हूँ, तो बने रहिए व्लॉग पे, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाली है, मिस मत करना। तो देखिए गाइस, हमने क्वेश्चन आंसर वाला सेगमेंट स्टार्ट कर दी है और वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो मैंने जो है ना सारा स्क्रीनशॉट करके अपने हस्बैंड के मोबाइल पे भेज रखी है और कुछ कुछ लिख के भेजी हूँ, तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप इधर आओगे क्या, थोड़ा दब जा रहे हो? आ रहा है पूरा। क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए बहुत कुछ हालत खराब हो जाती है क्योंकि वॉइस अच्छे से आप तक पहुंच पाए इसलिए अपन फैन बंद कर दिए है ना, तो और देखिए ना पूरा पसीना पसीना आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं आप दोनों फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे, तो आप बताना चाहेंगे हम कहाँ मिले थे फर्स्ट टाइम। देखो इनको तो मतलब मैं इनको फर्स्ट टाइम देखी हूँ तो मैं आपको रिप्लाई करती हूँ उसका, ठीक है? ठीक है। और ये मुझे जानते तक नहीं थे, लगभग एक साल तक तो ये जानते ही नहीं थे मुझे, पता नहीं इनको नहीं जानता था, इनसे बड़ी होती थी वह जानता था मैं और मैं इनसे बात करती थी, उनको लगता था वो है। तो फर्स्ट टाइम मैं इनको ना शादी या सगाई में देखी थी फर्स्ट टाइम, और वो था 2009 में ना, हाँ 2009 में मैंने फर्स्ट बार देखी थी। दूसरा क्वेश्चन है, आपकी पहली मुलाकात की में क्या आपका उनसे पहले मतलब एक ही बार में प्यार हो गया था, देखते ही ऐसा क्वेश्चन है इनका, तो मैं बताती हूँ हाँ मेरा फर्स्ट नजर में प्यार हुआ है मैं ना देखते ही इनको मतलब लाइक करने लगी थी, लाइक क्या बोलो क्या बोलू, लव स्टोरी वाला ब्लॉग में ना पूरा बताऊंगी, लेकिन ना ऐसा हुआ था कि ना मैं इनको देखी और मुझे प्यार हो गया और मैं इनको भूल ही नहीं पाई। एक साल तक तो बात ही नहीं किए, एक दूसरे को देखे भी नहीं, मिले भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी मैं इनके ये मेरे सपनों में आते थे, पता नहीं क्यों आते थे, मुझे नहीं लगता था, मैं कितना इग्नोर करने की कोशिश करती थी, मैं नहीं सोचती थी, फिर भी ये मेरे सपनों में आते थे, पूरे एक साल तक थे मेरे सपनों में आते गए, और पता नहीं इसी कारण मैं इनको भूल नहीं पाई, और ये मेरे सपनों में क्यों आते थे पता नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन ये बहुत आया करते थे, हर रोज सपनों में आया करते थे, जबकि उस टाइम मैं इनसे बात भी नहीं की थी, बस देखी बस थी, और देखती मुझे इनसे ना मतलब दिल में कुछ हो गया था, ऐसा कुछ हो गया था, क्या बोलते हैं लव सोचो फर्स्ट बार भी वहां मुझे प्यार हो गया था ऐसा मुझे लगता है, तो इसीलिए ये मेरे सपनों में ना बहुत आने लगे आने लगे थे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप पढ़ना चाहोगे? कौन सी है? ये वाला। पहले प्रपोज कौन किया? तो इनका जवाब कौन देना चाहेगा? आप देना चाहोगे? आप दो ना। पहले प्रपोज तो देखो बोला जाता है कि लड़कियां पहले प्रपोज नहीं करना चाहिए लड़कियों को, लेकिन मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैंने क्वालिटी है यार अपनी भी कुछ। ये बात सही है कि मैं पहले प्रपोज किया और जब मैं प्रपोज की ना तो ये साफ साफ मना कर दिए। नहीं हम मना नहीं किया, अपन नहीं आप बोले थे कि हम ना फ्रेंड रह सकते हैं, लेकिन हम गर्लफ्रेंड आपको नहीं बना सकती, आप फ्रेंड ही रहोगे, आप मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड तो नहीं बना पाऊंगा, ऐसे करके ना ये मुझे रिजेक्ट कर दिए थे। तो भी सेम अब क्या बोले वो टाइम अजीब था, अभी तो मैं आप सबको हंस हंस के बता रही, लेकिन वो टाइम मेरे लिए बहुत अजीब था। आंखों से भर भर के आंसू आती थी, दो साल हिम्मत करके मैंने इनको प्रपोज की थी, इतना हिम्मत जुटाई थी, मेरे में हिम्मत भी नहीं था। सोचती थी कि लड़की पहले प्रपोज करेगी तो लड़का क्या सोचेंगे, ऐसा ऐसा मतलब ना दिमाग में हर एक लड़की के दिमाग में आता है कि लड़के को प्रपोज करने से पहले क्या क्या होता है, वो सब माइंड में मेरे था, लेकिन ना पता नहीं कंट्रोल नहीं हो गया, वो आउट ऑफ वो तो मैंने इनको प्रपोज कर दिया और इन्होंने साफ मना कर दिया। और फिर इसके बाद ना बात होती गई, फ्रेंड के हिसाब से बात होती गई, फ्रेंड थे और ऐसे ऐसे पता नहीं इनको कब मेरे से प्यार हो गया बात करते करते। और फिर ये गर्मी के दिनों में 12th जब मैं पढ़ रहा था ना, जब खत्म हुआ मेरा एग्जाम, उसके बाद अपने दोस्तों से जब ये नहीं मिल पाते थे और बात नहीं हो पाई, उसके बाद मेरे से ही बात होती थी ना, उसके बाद ये मेरे को प्यार करने लगे। जब तक एक स्कूल में थे ना तब तक नहीं कर रहे थे, बस फ्रेंड थी, लेकिन ना अब ये मेरे को मना कर दिए थे तो फिर मैं ना ज्यादा अपना वो मतलब अच्छा नहीं लग रहा था तो ज्यादा मैसेज करना भी बंद कर दी थी, पूरा बंद तो नहीं की थी बट हाँ थोड़ा बहुत करती थी। तो पता नहीं इनको क्या हुआ कि इनको भी मुझसे प्यार हो गया कुछ महीनों बाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप कितने साल की थी तब आपको प्यार ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ दिया आप जो भी सब्सक्राइबर बताओ आप कितने साल के थे जी आपको मैं प्यार 21-22 ही चल रहा था मेरा, तो फिर मेरा भी बता दो आप। इनका चल रहा था 23-24 में थी ये। नहीं जी, तो और क्या 24 चल रहा था मेरे से? जब ना जब हम लोग 12वीं 10वीं पढ़ रहे थे तो इतना वो चल रहेगा क्या? नहीं चल रहा था ना। मैं बताती हूँ, मेरा 18 और इनका 16 जब फर्स्ट बार देखे थे तब, तो यार 9वीं 10वीं पढ़ रहे थे, सो 10वीं पढ़ रहे थे उस टाइम, आपको याद नहीं है? 10वीं पढ़ रहे थे हम लोग, 12वीं में तो प्यार का बताइए ना, फर्स्ट मुलाकात का पूछ रही है ना ये, क्या क्या बोल रही है ये, आप कितने साल के थे तब आपको प्यार हुआ था? मैं जब 18 साल की थी, 17-18 साल की, तो शुरू होती, हाँ 17-18 साल की थी तब मुझे प्यार हुआ था, ठीक से याद नहीं है, हाँ वही टाइम है। और आप मेरे, ये मेरे से छोटे हैं, मैं आप सबको बता देती हूँ, ये जो मैं इनसे बड़ी हूँ 10 साल की। बहुत कम लोगों को ऐसा मिलता है। Interesting. और मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ज्यादा लकी हूँ। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप प्यार में पूरी दुनिया भूल गए थे? नहीं भाई, होश वास था पूरा दुनिया, तभी तो मैंने 12th के बाद ही ये सब चीज सोची, पहले पढ़ाई लिखाई ध्यान दिया उसके बाद ही तो सोचा मैंने। राइट मैं आपको बताती हूँ क्या क्या क्वेश्चन था, क्या आप प्यार में सारी दुनिया भूल गए थे? उस टाइम ना हाँ होता है कि ना एकदम पूरी तरह से इसी चीज में भूल गई थी, मुझे कुछ नहीं दिखता था, बस खाना काम वाम करती थी, झट से मोबाइल पकड़ लेती थी, मोबाइल कब मेरे को मिले तो कब इनका मैसेज देखूं या फिर इनको मैसेज करूं। और इनका मैसेज मेरे डायरियों पे, 3 डायरियां हैं और इनकी मैसेज से मेरी पूरी सारी मैसेज से ना 3 डायरी भरा हुआ है। रुको एक मिनट में आप सबको दिखाती हूँ। अरे वाह, फोटो कैसे आ गया, चालू भी हो गया वो? क्या इंटरेस्टिंग है, क्या मोबाइल है यार, जबरदस्त चालू हो गया, फोटो भी आ गया। तो
लेके आ गई ये डायरियों का बड़ा झमेला। तो ये देखिए, ये फर्स्ट डायरी है जिसमें मैंने इनका नाम लिखा था और इन्हें सब फर्स्ट इसमें सब चीज लिखा है। जब कभी भी ना आप सबको जानना हो कि इस डायरी पे क्या क्या लिखा है, हम कब मिलते थे, कब, हर एक चीज इस पे लिखा है, हर एक चीज इस पे लिखा है। तो कभी आपको जानना होगा ना, तो इस डायरी के बारे में बताऊंगी। तो इसकी बुक बनाएगी लव स्टोरी। हाँ, तो इसमें डेट वेट के साथ हर एक चीज के साथ इस पे लिखा हुआ है इनकी शायरियाँ। तो एक आध दो मैं शायरियाँ पढ़ती हूँ जो ये लिख के, उस टाइम का कीपैड वाला मोबाइल आता था तो उसी में मैसेज मैसेज चलता था। तो याद ऐसी हो कि बात से कम ना हो, याद ऐसी हो कि बात से कम न हो, ख्यालात ऐसे हो कि कभी गम न हो, दिल के किसी कोने में बस इतनी जगह रखना कि खाली खाली लगे जब हम न हो। तो ऐसे मैसेज मैसेज करते थे। देखो पूरी डायरिया भरी हुई है और फूल भी दबा था, वो गिर गया जी। उठाओ तो एक डायरी, दो डायरी, तीन डायरी, चार डायरी, तो इन सभी पे भरा है इनका मैसेज। तो आगे का मैसेज पढ़ते हैं। और अगर आप सबको जानना है इस डायरी के बारे में प्लीज कमेंट करना, मैं आप सबको इस डायरी के बारे में डिटेल दिखाऊंगी। कहाँ है आपका मोबाइल? तो अगले नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले मैसेज करने में बहुत मैसेज करने में बहुत मजा आता था ना जी, बहुत मजा आता था। काम कुछ नहीं करती थी, पूरा दुनिया भूल, पूरा दुनिया तो नहीं भूली थी लेकिन हाँ। मोबाइल में बिना देखे ही मैं कर लेता था, कितना मतलब एक आदत सी हुई थी। सच में यार मजा आता था वो दुनिया भी, वाओ क्या था। मतलब ना मैं अपनी लाइफ को इतना एंजॉय क्यों ना उस टाइम मैं बता नहीं सकती। वो 4-5 साल जब हम लोग मैसेज करते थे वो दिन बहुत अच्छा था। तो उसके बाद कौन सी क्वेश्चन, आप दोनों में लड़ाई होती थी कि नहीं शादी से पहले, बताओ। तो होती थी, हर कोई करेगा थोड़ी थोड़ी बात में, फिर बाकी उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, बस कुछ कुछ क्या है। मैं भी उस समय पढ़ाई करता था, आईटीआई पढ़ाई करता था, तो कभी टाइम हो जाता था, लेट हो जाता था, मैडम जी घर पे रहती थी तो मैं इनको खाली नहीं रहने देती थी, इतना कॉल मैसेज कर करके परेशान कर देती थी क्योंकि मैं रहती थी घर पे खाली और ये जाते थे आईटीआई पढ़ाई करने और ये लगातार पढ़ाई कर रहे थे। और मेरी 12वीं के बाद छूट गया था तो मैं घर ही में थी, रहती थी तो एनी टाइम, मतलब ना हम एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि इनका कॉल ना आए, मैसेज ना आए। हर एक घंटा, हर एक मतलब ना पूरा दिन भर मैसेज में जाता था, कॉल से जाता था। एक दिन भी मतलब ना इन 12 साल में ऐसा एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इनसे बात नहीं की। मुझे अभी भी याद है टावर बंद हो जाता था, हालत खराब हो जाती थी तब होता था, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा दिन बंद हो जाता था, ऐसा लेकिन नहीं बहुत घंटे तक बंद रहता था। पहले बहुत दिक्कत बहुत बंद रहता था इस साइड, इस एरिया पे ना, क्योंकि ये जंगल क्षेत्र है इसलिए हमारे साइड ऐसा नहीं रहता था। तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी कि मोबाइल क्यों बंद था, इस वजह से गुस्सा जाती थी। लेकिन ना लड़ाई तो हर रिलेशनशिप पे होती थी, हमारी में भी हुई है, लेकिन उतना नहीं। दिन के बाद तो रात आती है ना, अब दिन ही दिन थोड़ी नहीं रहेगा, रात भी तो आना जरूरी है, इसलिए दोनों सेगमेंट चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े। लेकिन उतना नहीं होता था हम दोनों के बीच। हाँ, तो अपने ऊपर रहता है कि भाई कैसे चलना चलाना है भाई, क्या दूसरे थोड़ी ना हमको चलने चलाना है भाई, दूसरे हम दोनों में ना लड़ाई, पहले लड़ाई कौन करता था। आप उतना तो देना क्योंकि दोनों में से कोई भी मैं बताती हूँ, आप नहीं बता पा रहे हो। ये ज्यादा लड़ाई नहीं करती, अभी भी नहीं करती, मैं इनसे पहले लड़ जाती हूँ। बोलने का थोड़ा सा टोन अलग है उसका, बोलती सही ढंग से लेकिन ये सब नहीं बताने जी, कार्टून ये सब खराब, ये सब नहीं, सब टोन। शादी के बाद लड़ाई कौन ज्यादा करता है, शादी के बाद अब बताओ। शादी के बाद कोई ज्यादा लड़ाई करता ही नहीं है, छोटे मोटे मीडिया नहीं रहते, एकदम बड़े हंगामा टाइप नहीं रहता, भड़ांग भी इसमें ढासा मार दिया। हम लोग का बातों में थोड़ी सी बातों में रूठ जाना, मतलब ना मैं थोड़ी सी गुस्सा हो जाऊंगी ना तो बात करना ही छोड़ देती हूँ, रूठ के चुपचाप बैठ जाती हूँ। अब मैं ऐसा हूँ कि इतना ज्यादा झेलवाता नहीं है, मैं वही तो कुछ करवा रहा हूँ, हंस रही है ना, इंटरेस्टिंग करवा रहा, बता रही है तो वही बता, वही तो इंसान को क्या चाहिए, इंसान को क्या चाहिए कि बस नहीं मैं करती हूँ। हस्बैंड का वेट करती है खाने में, तो जी हाँ बिल्कुल हम लोग साथ में खाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है मुझे भूख लगती है तो मैं ना हर रोज इंतजार नहीं करती, लेकिन अधिकतर ना हम रात में साथ में ही खाते हैं। और
नाश्ता भी हम साथ में करते हैं, डिनर भी साथ में, दोपहर को शायद मैं पहले खा लेती हूँ या फिर हम साथ में भी खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम साथ में ही खाते हैं। वेट तो करती हूँ, करती तो हूँ यार। हाँ ठीक है, तो करती तो हूँ। तो यार अब पढ़ो आप यहाँ से, पढ़ो ना जो वो टिक लगे। आप दोनों की क्या है, आपके हस्बैंड की बुरी आदत बताओ कि कौन सब्सक्राइबर किया है उसको आप बता दो। मैं बताती हूँ इनकी बुरी आदत, वैसे तो इनकी बहुत कम ऐसी बुरी आदत है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि इनकी बुरी आदत क्या है। आप ही बताओ यार आपकी बुरी आदत क्या है। मैं कैसे बता सकता हूँ, सामने वाला देखेगा ना कि मेरी बुरी आदत। मैं तो अपने आप में इसकी बुरी आदत यह है कि मैं व्लॉग बनाने बोलती हूँ तो ये जल्दी से मानते नहीं है, रील बनाने बोलती हूँ जल्दी से मानते नहीं है, बहुत बनाना पड़ता है तब जाके आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आती हूँ। जैसे कि अभी देख सकते हैं इसका मुंह कैसे लटका हुआ है, जबरदस्ती इनसे वीडियो शूट करा रही हूँ ऐसा लग रहा है। तो अच्छी भी बताओ, बोलती अच्छी अच्छी तो बहुत सारा है, जैसे कि ये मेरी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और बहुत ख्याल रखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप दोनों में जल्दी गुस्सा किसको आता है, किसका आता है? आप दोनों में जल्दी गुस्सा किसको आता है? हाँ बताओ आप में कि मुझ में? दोनों में। गलत जवाब, मुझ में ज्यादा गुस्सा आता है, इनमें कम आता है। दोनों में रूठना कौन जा रूठ कौन जाता है, दोनों बहुत जल्दी, मतलब दोनों में से कौन जल्दी रूठ जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। मैं रूठ जाती हूँ, और फिर ये मनाते भी नहीं है ऐसे हस्बैंड है। मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि हस्बैंड जी आपको मनाते हैं कि नहीं करके? मनाते हैं, बात नहीं करती हूँ ना, जब तक तो बात नहीं करती हूँ ना कुछ कुछ बोल के हंसवाते हैं, आए भाई बात करके। क्या आप अपने हस्बैंड नहीं देती? तो नेक्स्ट है, आप दोनों रोज मिलते थे क्या जब GFBF थे तब? अब बताओ हम रोज मिलते थे? रोज तो मिलना नहीं होता था, लेकिन मंथली में हम कभी मतलब सप्ते भी मिल जाते थे, रोज मिलना नहीं होता था। हम लोग का ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, रोज मिलना बिल्कुल नहीं हो पाता था। पहले तो साल में मिलते थे, 2 साल में मिलते थे, उसके बाद महीनों में मिलने लगे, उसके बाद हर महीने मिलने लगे, बस ऐसा होता था। आप हमेशा मिल गए? अब हमेशा मिल गए। राइट, गुड। आप अपने हस्बैंड को कैसे मनाती हो? मैं इनको कैसे मनाती हूँ जी बताओ? अरे मेरे लिए अच्छे अच्छे डिश बनाती है तो मैं ऐसे ही मान जाता हूँ यार। मैं बताती हूँ, ये मेरे से कभी नाराजी नहीं होते ना, क्योंकि मैं अच्छी वाइफ हूँ, इनको नाराजी नहीं करती, सही है कि नहीं बताओ? हाँ ठीक है, सही बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी के पहले आपकी गिफ्ट मतलब कितने गिफ्ट दिए हैं शादी से पहले? शादी से पहले ना मतलब स्टार्टिंग में तो ये मुझे एक भी गिफ्ट नहीं देते थे, मैं इनको हर एक गिफ्ट दे देकर इम्प्रेस करती थी, क्योंकि मैं पहले प्यार करती थी तो इनको इम्प्रेस करती थी गिफ्ट दे देकर, तो इनको बहुत महंगी महंगी गिफ्ट दी हूँ। एक गिफ्ट तो ये है, जब ये 12th पढ़ रहे थे, अच्छा के टाइम पे टेडी बियर मेरे साथ है, तो देखिए इसे मैं कल ही धोई हूँ, तो बहुत धूल से जम गया था और वॉशिंग मशीन में इसकी आग भी निकल गई है वॉशिंग मशीन में, तो फिर ना इसे मैं ना 12th पढ़ रही थी तो इसे सबसे बड़ा गिफ्ट ये दी थी, ये 1500 का था उस टाइम पे 2013 पे हम 12वीं पढ़ रहे थे, 12वीं पास किए थे, तब मैं ना लास्ट पेपर एग्जाम था तब मैं ये वाला गिफ्ट इनको दी थी, और बहुत गिफ्ट दिया करती थी इनको बहुत, उस टाइम में मुझे नहीं देते थे। उसके बाद ना इनको मुझसे प्यार हुआ, फिर मेरा गिफ्ट देना बंद, और बता दूं इनका मोबाइल पे रिचार्ज हर महीने हर हफ्ता मैं कराती थी, और उनका ना कर्मा बोल सकते हैं आप, उनका रिटर्न आया, मैं इनका रिचार्ज 2-3 साल तक करवाती रही, और उसके बाद ये कितने साल से मेरा रिचार्ज कर रहे, मेरे को इतने शॉपिंग करवाते थे, जितना कपड़ा पहनती थी हर एक चीज सारा चीज यही मुझे लेकर देते थे, यहाँ तक मोबाइल भी मुझे हर साल मेरा नया मोबाइल चेंज कर करके मेरे को 5 मोबाइल गिफ्ट कर चुके हैं, हर एक साल मुझे एक नया मोबाइल गिफ्ट करते थे, और शादी के बाद ये वाला मोबाइल गिफ्ट किया है मुझे, जल्दी इस मोबाइल से वही शूट करिए, लेकिन मुझे 5 मोबाइल गिफ्ट कर चुके, ये बहुत मोबाइल गिफ्ट करते थे जब मैं लड़की थी तब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उनको कितने गिफ्ट किए हो, आप तो बता ही दिए। मैं
आपको आपको देखो मैं ना बताती, मैं बहुत कम गिफ्ट की हूँ इनको, और ये मेरे को बहुत ज्यादा गिफ्ट कर चुके हैं, गिनती नहीं है। लेकिन शादी से पहले ना 2-3 साल तक मैं इनको बहुत गिफ्ट करती थी, लेकिन उससे डबल ट्रिपल 1000 गुना लाख गुना गिफ्ट ये मुझे कर चुके हैं अब। लेकिन उनमें से एक गिफ्ट ये है जो अभी मेरे पास है, जो मैं सबसे बड़ा गिफ्ट इनको दी थी, और एक वॉच भी दी हूँ। अगर रखाया हुआ तो फोटो यहाँ साइड पे डालूंगी, देखना। उसे ये एक दिन भी नहीं पहना है, पता नहीं क्यों इनको पसंद नहीं है। आप बताओ जी, वो क्या इतनी महंगी घड़ी लेकर दी थी यार, 1 करोड़ रुपया मैं जोर जोर कर इनके लिए ली थी। वो पहनने में क्या है, लेटेस्ट वो ओल्ड मॉडल थी ना, शादी के समय जो पहनते हैं दूल्हे राजा उस टाइप से था। अभी भी चलता है जाना, अभी तो भी बहुत लोग पहनते हैं, बहुत लोग पहनते हैं उसको। लेकिन अब क्या है, एंड्रॉइड लेटेस्ट आ गई है ना, अब तो अब यूज ये वाला करते हैं, तो इसलिए कभी नहीं पहने मेरे घर ही, एक बार भी नहीं पहने हैं। पहना हूँ एक बार भी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अब ज्यादा यूज नहीं क्यों, रखा है ये रखा है। और किसी को दे दे बोलती हूँ तो देते भी नहीं है, उसको याद के लिए रखे हैं कि नहीं सर मेरे को गिफ्ट की थी तो उसे मैं रखूंगा जिंदगी भर, किसी को नहीं दूंगा। बोलता है अलमारी पे रखा है, होगा तो मैं यहाँ छोटा सा वीडियो पे आप सबको दिखाऊंगी, देखना इतना संभाल के रखे है मेरे गिफ्ट मेरे हस्बैंड, और बहुत सारे गिफ्ट तो यहाँ पे सजा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहना है कि जीएफ से तो आपको कितना मोबाइल गिफ्ट मिला कर ले? मेरे को 5 मोबाइल गिफ्ट किए थे जब जीएफ थी, तो हर एक साल पे ना नया मोबाइल आता था, तो मेरे हस्बैंड उसमें ना जल्दी भर जाता था, फोटोस वीडियो नहीं हो पाती थी, और मुझे चस्का था रील्स बनाने का, उस टाइम रील्स नहीं होता था, टिकटॉक होता था, तो टिकटॉक बनाने का चस्का था, तो उसके लिए मेरे हस्बैंड बहुत मोबाइल देते थे, और चिप भी खरीद खरीद कर देते थे कि मोबाइल भर जाता था। इतना मोबाइल दिया है, 5 मोबाइल दिए हैं, 2 मोबाइल तो अभी मेरे पास है, एक वहाँ पे रखा है लावा, दिखा दो लावा मोबाइल कितना बेस्ट है अभी तक वो है। ये इनका सेकंड या फिर थर्ड मोबाइल था ये। हाँ, और एक और है जी, उसका फोटो मैं डालूंगी, देखो देखो कितना अभी भी न्यू है मोबाइल, मेरे हस्बैंड मुझे गिफ्ट किए थे। क्या हो गया था इसमें, दिक्कत? इसमें हैंग हो रहा था, तो हैंग होता था ना, तो मेरे हस्बैंड मेरे को ना दूसरा मोबाइल गिफ्ट कर देते थे। बहुत सारा आप मुझे रेडमी दिए दिए हो, लावा दिए हो। हाँ, एक मोबाइल ये है, ये देखो, ये दोनों मोबाइल है, और ये पकड़ी हूँ तीसरा है, और तीसरा चौथा, 2 मोबाइल को ना एक्सचेंज करके मेरे को दिए थे, है ना, तो 5 मोबाइल गिफ्ट हुआ। थैंक यू जान, ये दोनों। तो लास्ट अब क्वेश्चन आप बचा रह गया है, रिचार्ज कौन करवाता था? रिचार्ज शादी से पहले जैसे कि मैं बताई हूँ, रिचार्ज इनका मैं करवाती थी 2-3 साल तक, उसके बाद से ये सारा रिचार्ज, और पहले तो रिचार्ज कम हुआ करता था, अब तो रिचार्ज बहुत बढ़ गया। मेरे हस्बैंड मेरे पे रिचार्ज करवाते हैं, इतना महंगा महंगा का रिचार्ज करवाते हैं, यही करवाते हैं। और कुछ क्वेश्चन लास्ट हो गया, और दिखाओ ना मैं बताती हूँ। तो अभी के लिए इतना ही क्वेश्चन आंसर, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। और अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप सब कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम उनका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोस, मुझे अच्छा लगा, आप सबके अच्छे अच्छे कमेंट्स मैंने चुने थे, स्पेशली लव वाला कमेंट चुने थे। और कभी और किसी चीज़ का क्वेश्चन आंसर वीडियो लेकर आऊँगी, तो ये वाला क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वाचिंग माय वीडियोस। जो जून का जो मंथ होता है ना, इतनी गर्मियों से देखो कितनी, ये देखो इतनी गर्मियों से पूरे भीग चुके हैं, आप सबके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। ऐसे छींटा पड़ रहा है, देखो पसीने का, देखो आए ना, तो प्लीज यार एक लाइक तो बनता है ना इसके लिए, इतने गर्मी में तपस्या करके तो हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आएंगे। और इस वीडियो पे प्लीज 1000 लाइक दे दीजिए यार, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। बाय बाय।